हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा द इंडियन मॉम में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वेजिटेबल चीज कटलेट लेकर के आई हूँ, जो बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप इसको जब मन करे तब ब्रेकफास्ट में बना के खा सकते हैं और सबको खिला सकते हैं। फ्रेंड्स, वेजिटेबल कटलेट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक कटोरी बारीक कटा हुआ आलू, जैसे हम सब्जी के लिए काटते हैं ऑलमोस्ट मैंने उसी तरीके से काटा है। एक गाजर काट करके मैंने पानी में डाल दिया है। मटर छील लिए हैं थोड़े से। थोड़ा सा अदरक का पेस्ट बना लिया है। थोड़ी सी हरी मिर्ची और ब्रेड क्रम्स। अब सबसे पहले हम सब्जियों को बॉईल होने के लिए रख देंगे। इसके लिए मैं कुकर में पानी रखते रही हूँ गर्म होने के लिए। मैंने कुकर में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। इसमें मैंने जो सब्जियाँ ली हैं वो मैं सब डाल रही हूँ। आप अपनी पसंद की सब्जियां भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें नमक भी डाल देंगे और अच्छे से इनको पकने देंगे। आप चाहें तो सीटी भी लगा सकते हैं, नहीं तो खुला उबलने दें इसको। वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से हमने बॉईल कर ली हैं और इनका पानी हमने अलग कर दिया है। अब हम इसको किसी एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे और अच्छे से मैश कर लेंगे। मैंने वेजिटेबल्स को मैश कर लिया है। इसमें हमने हरी मिर्च काटी हुई डाल दी हैं, अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे और ब्रेड क्रम्स भी इसमें मिक्स कर देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लाल मिर्ची पाउडर इसमें ऐड कर सकते हैं। काली मिर्ची पाउडर ऐड करना चाहें तो आप काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने बहुत अच्छे से सारी वेजिटेबल्स को, ब्रेड क्रम्स को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें छोटे छोटे पीस गार्लिक के भी डाल सकते हैं या हींग भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज क्यूब ली है। चीज क्यूब के हमने पीसेस कर दिए हैं। ये देखिए, मैंने इसके पीस कर दिए हैं चीज क्यूब के। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा सा मटेरियल इस तरह से हाथ पे लेंगे, रोल करेंगे इसको। इसमें मैंने एक चीज क्यूब रखी है, इसको बहुत अच्छे से हमने फोल्ड कर दिया है। आप इसको जैसा चाहें वैसा शेप दे सकते हैं, लंबा, गोल, हार्ट की शेप में, जैसा चाहें आप, जैसा आपका मन करे वैसा आप इसको शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको ऐसे लंबा शेप दिया है। देखिए, इस तरह से हम सबको तैयार कर लेंगे। कुकिंग ऑयल हमने गरम होने के लिए रख दिया है। अब कटलेट्स जो हमने तैयार किए हैं उनको हम डीप फ्राई कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमने इनको डीप फ्राई कर लिया है। अब हम कटलेट्स को धीरे धीरे निकाल लेंगे बाहर। देखिए फ्रेंड्स, कटलेट बिल्कुल तैयार है। हमने सर्व भी कर दिए हैं। हम ऊपर से थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल देंगे। मैंने बिल्कुल हल्का हल्का इस पर चाट मसाला डाल दिया है। अब आप टमाटो सॉस के साथ, मेयोनीज के साथ, आपको जिसके साथ अच्छा लगे आप कटलेट टेस्ट करके देखिए। अंदर हमने चीज इसमें भरी थी, देखिए चीज कितना बढ़िया लग रहा है।
हमारे वेजिटेबल चीज कटलेट बिल्कुल रेडी हैं। फ्रेंड्स आप बनाइए, टेस्ट करके देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आज की हमारी वेजिटेबल कटलेट की रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।